जहां हो मैं भी वहीं आ रहा हूं, और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हेलो हेलो, कौन है? और जिन लोगों से मेरी हेलो बोलो, कौन बोल रहा है? वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। व्हाट नॉनसेंस। अस्पताल का व्यवस्थापक निर्देशक श्री सली रहमान दो दिन से लापता होने के कारण उनके पिता अली रहमान पुलिस को दर्ज। आइए फादर, बैठिए। क्या हुआ फादर? जब आप अंदर गए बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं विक्की, चैन से सिगरेट पीने भी नहीं देते। हेलो, क्या हुआ सर? पालघर के जंगलों में एक गाड़ी के अंदर पैसे से भरी बैग मिली है क्या? नहीं सर, गाड़ी में लाश है सर। अच्छा, लाश है। आहा, इतने बड़े गांव में लोगों को मरने के लिए मेरा ही डिस्ट्रिक्ट मिलता है? लोग परलोक सिधारते हैं और मेरा काम बढ़ जाता है। सुनो, ऑलरेडी मैं एक लाश के सिलसिले में मॉर्चरी में ही हूँ। तुम एक काम करो, तुम वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, तब तक मैं अपना यहाँ का काम निपटाता हूँ और वहाँ आता हूँ लाश उठाने। अब बस मेरा यही काम रह गया। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते। यहाँ तो भर भर के लाशें हैं। हो गया, अंदर क्या पूजा कर रहे थे? सर ये उससे भी मुश्किल काम है सर। समझ गया। मैं कह रहे हो भैया। सर जब तक जिंदा है खुशबू, उसके बाद बदबू, उसी वजह से यहाँ काम कर पाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी। किसी को बताऊंगा नहीं रे, दारू पीने के बाद कोई पूरी लगन से काम कर सकता है तो वो यही जगह है। हे भगवान, मैं कोई ऐसी जगह पर कैसे काम कर सकता है। हेलो। यस सर। भद्रा मैडम कहाँ मिलेंगी? मैडम वहाँ पर है। अच्छा, बाप रे बाप, यहाँ कितनी लाशें हैं, लगता है एक और लाश आ गई। अब ये कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मैम, गुड मॉर्निंग। माइकल आइए, आप कुछ लेंगे? आप तो ऐसे बुला रही है जैसे ताज होटल में नाश्ता करने के लिए बुला रही हो। मैं टॉयलेट में बैठकर भी खा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर 10 दिन के लिए आपको यहाँ रहना पड़े तो आप भी यहाँ खाना खाना सीख ही जाएंगे। 10 दिन मेरे लिए तो यहाँ 10 मिनट भी रहना मुश्किल है मैडम। वेट करो, कुछ ही देर में केस खत्म हो जाएगा। ठीक है मैडम। हाँ। उसके बाद
पानी क्यों नहीं आ रहा? गर्मियाँ शुरू हो गई ना मैडम, अब से पानी की किल्लत तो रहेगी ही। लीजिए मैम। हाँ लाओ, यहाँ जिंदा लोगों को पानी नहीं मिलता, भला मुर्दों को कहाँ से मिलेगा, है ना माइकल? सही कहा मैडम। मैं दरअसल एक केस के सिलसिले में आपसे। वो वहाँ नहीं, 2 इंच नीचे की तरफ। अच्छा, एक और केस आया है। हाँ मैम। ऑलरेडी 8 बॉडीज पेंडिंग है। रिक्विजिशन आया है ना? मैम मैं जानता हूँ, लेकिन मैम ये केस को अगर आप सीधे सीधे डील करेंगी उस वजह से हमारा काम और भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना ब्रदर? सीधे सीधे। हाँ समझ गई मैं। वो बताओ कौन सा एरिया? पालघर के जंगल में मैम, वहाँ भी ठीक ऐसी ही बदबू है, वहाँ से लाश निकालना मुश्किल है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। ठीक है, ये केस खत्म करके आती हूँ। थैंक यू मैम। अच्छा माइकल, वैसे इस लड़की का क्या केस था? ये दरअसल मिसिंग केस है मैम, लेटर लिखकर अपने लवर के साथ भाग गई थी, कंप्लेन लिखकर से 2 दिन हुए थे, उससे पहले इसकी लाश मिल गई मैडम। इस केस को जरा डिटेल में इन्वेस्टिगेट कीजिए, ये 376D है। ये क्या कह रही हैं आप? ये गैंग रेप है, मर्डर है? हाँ, वजाइनल कंट्यूजन्स, अबनॉर्मल हाइमन टियर। क्या कहा मैम? इस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरह से डैमेज्ड हैं। हाँ। इसे उधर इस लव के नाम पर कुछ कमीने हरामजादे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को लव करते हैं, उन्हें जेल में डालकर मेहमान नवाजी नहीं उनका काट देना। सॉरी मैम। मैंने सीमेन ट्रेसेस ले लिया है, उनके साथ DNA मैच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, उसके बाद आप ही देखिएगा मेहमान नवाजी करनी है या काटना है। मैडम क्या इस बॉडी को पैक कर सकते हैं? तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 मैडम। ये तुमसे 5 साल छोटी है, इसकी भी तुम्हारी तरह इच्छाएं होंगी। फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद पेरेंट्स को इसकी बॉडी सौंपने से पहले ये अच्छी दिखनी चाहिए, समझ गई? ओके मैडम। पैक कर दो। चलो माइकल हम चलते हैं। चलिए मैम। चलो। बाप रे बाप, लाशों की इंटरव्यू ऐसे लेते हैं क्या? हाँ? आप चलिए मैं अभी फोन लेकर आती हूँ। ठीक है मैडम। मैडम मैडम आपका फोन। ओके थैंक्स। तो कितनी जल्दी थक गया। गुड मॉर्निंग मैडम। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं सिर्फ हमारे हमारे चैनल पर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आमिर, सबसे पहले लाश किसने देखा? सर सुबह सुबह कुछ औरतों ने गाड़ी में लाश देखी थी। अच्छा, उस कार के बारे में पता चला? नहीं सर, पूरी तरह से जल चुकी है, इंजन डिटेल्स मैंने फॉरेंसिक टीम को भेज दिए हैं। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है? हाँ मैडम, पूरा एरिया जंगल ही है। कार कहाँ है? यही पास में। आइए मैडम। वहां से जरा पब्लिक को हटाना। माइकल। मैम। ये 100% 302 है, ये मर्डर कहीं और हुआ है और यहाँ लाकर बॉडी को जलाया है। आप ये कैसे बता सकती हैं मैम? मरने वाले ने बचने की कोशिश नहीं की, वो देखिए सीट बेल्ट का बक्कल अभी भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, 3-4 जगह की हड्डी भी टूट चुकी है। मैम DNA करके हम पता लगा सकते हैं कि किसकी बॉडी है? कुछ बचा भी तो होना चाहिए। ओ। इसका तो बोन मैरो भी मुश्किल है। यहाँ का टेम्परेचर देखकर पता चलता है
लगभग 4-5 घंटे पहले इसे यहाँ लाकर जलाया गया है और पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या मैम? हड्डियों के साइज को देखकर पता चलता है कि ये लड़का ही है। हाइट लगभग 5.8, एज 33-35। That's all. मैडम, यहाँ पेट्रोल का कैन मिला है, जलाने के लिए इसे का इस्तेमाल किया होगा। कुछ और मिला? सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही है। बाकी की डिटेल्स बाद में बताते हैं। बॉडी को जल्दी जीएच में शिफ्ट कीजिए, फॉर्मेलिटीज हम कल देखते हैं। ओके मैम। कल जंगल में जो लाश मिली है उसे अभी तक पुलिस पहचान नहीं पाई है, ऐसा हमें एसीपी विशाल ने बताया है। अरे ए ए ए इधर इधर विशाल, एसीपी एसीपी सर सर हमें बताइए सर, हमें हमें बताइए कि क्या हुआ। सर आपके हाथ कुछ लगा है, कुछ सबूत मिला है आपको? क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, जितनी जानकारी मिली है उससे कोई कंक्लूजन मत निकालिए। नथिंग इज कंफर्म्ड एज येट। सर आपको ऐसा नहीं लगता पुलिस हमसे कुछ छुपा रही है? सर रुकिए सर, कुछ तो बताइए सर। सर काम हो गया? काम चालू है, पता चल जाएगा। हाँ आइए विशाल। हाय भद्रा। हाय। फाइनल रिपोर्ट रेडी है क्या? बस अभी अभी ऑटोप्सी खत्म की। व्हाट अबाउट द ऑटोप्सी? मैंने माइकल को बताया था। हाँ बताया था सर। 302 कंफर्म है। इसे मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। बॉडी की 8 जगहों की हड्डी टूटी है, स्पाइन डिसलोकेट हो चुका है। आयरन रॉड जैसी हैवी मेटल से मारने की वजह से स्पाइन डिसलोकेट हुआ है। डैमेज बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन। आपके हिसाब से डीएनए टेस्ट भी नहीं होगा, सो व्हाट नेक्स्ट बद्रा? एक रास्ता है। मेरा मानना इस बॉडी के मेजरमेंट्स के हिसाब से हम सुपर इम्पोजिशन ट्राई कर सकते हैं। एंड विशाल, इस बॉडी के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां काट दी गई हैं। दैट्स अनयूजुअल। ये दोनों भी परफेक्ट मैच हो रहे हैं। ओ, विशाल, ये कंफर्म सलीम रहमान की बॉडी है। कंक्लूड इट। मॉर्ग के अंदर हूँ, अभी सर है साथ में, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? सर, क्या है? जरा ये देखिए। हाँ? अरे, सर अब क्या करें? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हमारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, हम तुरंत बॉडी हैंडओवर कर देंगे। ओके, सर। बट जरा टीवी ऑन कीजिए ना। क्यों, क्या हुआ माइकल? मैम जरा टीवी ऑन कीजिए ना प्लीज, चैनल लगाइए। न्यूज़ चैनल लगाइए मैम। सर देखिए तो। मर्डर केस में सजा काट रहे आरोपी विक्की ने कांस्टेबल राजेंद्र को ये बताया है कि सलीम रहमान की मौत के जिम्मेदार वो खुद है, ऐसा सुनने में आया है। और इसी से संबंधित कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स हमारे पास है। अपराधी विक्की के वार्ड में कांस्टेबल राजेंद्र ने जो टिकटॉक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में सलीम रहमान के जान को खतरा है, ऐसा संकेत दिखाई पड़ता है। ये सब क्या हो रहा है माइकल? सर, प्रेस वालों को ये खबर कहाँ से मिल रही है? सर इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, शायद हमें पुलिस स्टेशन से कुछ पता चल जाए। केस जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं विशाल। सरिया अली रहमान है, सलीम रहमान के पिताजी। मैम सलीम,
सलीम, ये तेरे साथ क्या हो गया? सलीम रहमान के मौत के जिम्मेदार आरोपी विकी खुद है, ऐसा उन्होंने बताया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत ही सेंसिटिव केस है, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर गुड आफ्टरनून सर। टिकटॉक वीडियो किसने अपलोड किया था? कहाँ गया वो? ए राजा सर इधर आ। सर सर सॉरी सर। तुम नहीं जानते जेल के अंदर फोन इस्तेमाल नहीं करते? तुम्हें अकल नहीं है क्या? सर बिल्कुल नहीं है सर, सॉरी सर, सॉरी सर। उसे मिलने कोई दोस्त या रिश्तेदार यहाँ आए थे क्या? नहीं सर, इससे मिलने अभी तक कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। कोई भी नहीं आया? एक चर्च के फादर इसे बार बार मिलने आते हैं सर, सिर्फ उसके पास ही नहीं बल्कि इस जेल के सभी कैदियों के लिए प्रे करने के लिए आते हैं सर। उसी तरह से वो विक्की से भी मिलने आते हैं। पिछली बार जब फादर आए थे यार, कोई अपनी गलतियों के लिए मेरे पास आकर माफी मांगता है, लेकिन आज वो अपने किए के लिए माफी मांग रहा था। अब तक वह कहता था कि वह किसी को मारना चाहता था, लेकिन आज वो कोई गलती करने जा रहा है ऐसी उसकी आंखें कह रही थी। अब वो कहाँ है? अरे इसे क्या हो गया? कुछ नए कैदी इसे मार रहे थे सर। ये डॉक्टर सलीम रहमान है ना, उनकी तस्वीर क्यों बनाई है तुमने? वो तुम्हारा काम है, जाओ पता करो। ए, जितना पूछा जाए जवाब दो, अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सर, सर फादर के डिटेल्स और विकी का फाइल माइकल को दे देना। ओके सर। आइए सर। क्या यह सच है कि इस कैदी का और मर्डर केस का कुछ ताल्लुक है? सर उस कैदी से मैं जेल में मिला था, वो बहुत ही अबनॉर्मली बिहेव कर रहा था। उसे कस्टडी में लेने के लिए मैंने पेपर्स फाइल किए हैं। ये बताओ इसके पीछे कौन है
उसके बाद उसका क्या करना है मैं देख लूंगा। तुम किसी लड़की के बारे में बोल रहे थे, कौन है वो? डॉक्टर भद्रा नाम है। सही कहा आपने, वही लड़की। पुलिस सर्जन। हाँ, हमारे बहुत सारे केसेस को उसने काफी आसानी से सुलझाया है, उसकी वजह से हमें काफी मदद मिलती है। ओके विशाल, मैं मैडम को इन्फॉर्म करता हूँ, तुम जाकर मिलो। यस सर। सर विशाल एक मिनट, भद्रा हर केस को प्रूव करने के लिए उत्सुक रहती है, सिर्फ इसी केस के नहीं किसी भी केस के सारे कनेक्शन की जड़ तक जाने की कोशिश करती है। वो डॉक्टर विद क्रिमिनोलॉजी है ना, उसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानती है, वो घमंडी भी है, देख लेना। डेफिनेटली सर, मैं संभाल लूंगा। ए दिया, तुम्हारी प्रिंसिपल तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। दिया का परफॉर्मेंस ऐसा ही होता है। बड़ी आई। मैंने सुना तुमने अपनी टीचर से कहा कि तुम्हें पुलिस बनना है, सच में? हाँ मम्मी, सभी चोरों को शूट कर दूंगी। वाओ, तुम्हें एक बात बताऊं, बचपन में मम्मी भी ना पुलिस ही बनना चाहती थी। अच्छा? हाँ, मम्मी बचपन में सिंथारिन रॉबर्स की बहुत सी किताबें पढ़ा करती थी, पर तुम्हारे नाना जी है ना, उन्होंने जिद की के मम्मी डॉक्टर ही बने। उसके बाद? पर मम्मी जानती थी कि डॉक्टर्स में पुलिस डॉक्टर्स भी होते हैं। मम्मी ने वही ज्वाइन किया। नाना भी हैप्पी, मम्मी भी हैप्पी। मम्मी तो आप पुलिस है? यस। सैल्यूट। थैंक यू मैम, माय ब्रेव गर्ल। भद्रा। हाय। मम्मी ये अंकल कौन है? हाय। हाय। आपकी बेटी है? हाँ, दिया। हाय दिया। हाय अंकल। मेरे हस्बैंड दुबई में काम करते हैं। ओह अच्छा। हाँ। अच्छा। एडीजीपी से बात हो गई है मेरी। ओह ओके। मुझे इस केस में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो विशाल? मैं मेरे स्टूडेंट्स और डेथ बॉडीज के साथ बहुत खुश हूँ। ऊपर वालों की सुननी पड़ती है, उम्मीद है तुम्हारी मदद से ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। श्योर, होपफुली। वेलकम टू द टीम। ओह थैंक यू। या ओए, एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहा है? हाँ, यहां सच को बार बार बोलना पड़ता है। तू इन्हें पहचानता है? ए, ए, तुमसे पूछ रहे, बोलो। गौर से देख। बता तू इन्हें कैसे जानता है, बता। अब कोई तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि मैंने उसे मार डाला। सर, और मारोगे तो मर जाएगा। सर मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। मैं जानता हूं ये तूने नहीं किया है, पता कौन तेरी मदद कर रहा है, बता मुझे। ईश्वर। ये एंजल कौन है? नहीं, मुझे पता नहीं है, नहीं पता मुझे, नहीं जानता। एक ही बात बार बार दोहरा रहा है इडियट। ये एंजल कौन है? इस ग्राफ को देखो,
जब सलीम रहमान के बारे में पूछताछ की तो उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत इंपल्सिव बिहेव कर रहा था वो। लेकिन एंजल का जिक्र होने पर फुल डेड ऑपोजिट, वो शांत हो गया। वी नीड टू नो अबाउट एंजल। सलीम रहमान के मर्डर केस में इन्वॉल्व प्राइम सस्पेक्ट विक्की को कुछ ही देर में चर्च लेकर आ रहे हैं। किसने इन्फॉर्म किया? गुड मॉर्निंग फादर, आई एम एसीपी विशाल, मैंने ही आपको फोन किया था। जी कहिए। आमिर सर, विक्की को सेमेट्री लेकर जाओ। ओके सर। फादर, क्या आप हमें विक्की के बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर आपको विक्की के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको एंजल के बारे में जानना होगा। करीब 25 साल पहले नन्ही सी परी हमें ढूंढते यहां आ पहुंची। मैंने उस बच्ची का नाम एंजल रखा, एंजल। इस चर्च में वो हमारे बीच पली बड़ी। उसकी हंसी यहां चारों ओर गूंजती रहती। आप जीसस से क्या मांग रही हो? मेरे स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स के नाम के आगे उनके पापा का नाम है, लेकिन मेरे नाम के आगे किसी का नाम नहीं है। ये किसने कहा हा? कि तुम्हारे पापा नहीं है? वो देखो, ये पूरी दुनिया के पापा हैं। आज से तुम्हारा नाम एंजल जीसस, ठीक है? ओके। तो इस खुशी में फादर को चॉकलेट दो। ये सिर्फ मैं मेरे पापा को ही दूंगी। क्या पापा, आप अपनी बेटी को कुछ भी लाकर नहीं देते? मेरी फ्रेंड मैरी की शादी है, उसके बाद वो मुंबई चली जाएगी, लेकिन मैं इस खटारे के साथ यहीं घूमती रहूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा लड़का दिला दो, उसकी बाइक में बैठकर उसे यूं पकड़कर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, बस इतना ही। वैसे कोई जल्दी नहीं है, जब तुम्हें ठीक लगे तब दिला देना, मैं खुशी खुशी मान जाऊंगी। हे भगवान, लगता है सब सुन लिया। शिट। अब तुम्हें क्या चाहिए? कौन है? तुम्हारे पापा है क्या? हाँ, वो मेरे पापा हैं। पापा को रिश्वत? हाँ हाँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ बेटा विक्की, या क्या कर रहे हो? फादर, काम सब हो गया क्या? हाँ हो गया फादर। फादर, ये चर्च में अगर हम दिल से कुछ मांगे तो वो पूरा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं फादर, बस यूं ही पूछा। मैं जा रही हूँ फादर। अरे तुम क्यों नाराज हो? ऐसा नहीं है फादर। मैं चलता हूँ फादर, मुझे काम है। खुशियाँ है हर और गम जैसे भागे हुए, जादू कोई हुआ है, या फिर कोई दुआ। फादर, मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा नहीं कहते फादर। हाँ फादर। आओ विक्की, बोलो विक्की। फादर, वो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शायद वो भी मुझे चाहती है, लेकिन ये बात
उसे कैसे कहूँ ये नहीं जानता। तुम उस लड़की को क्यों बताना चाहते हो? सीधे उसके मम्मी पापा के पास जाकर बात करो। ठीक है फादर। हाँ, मैं आपकी बेटी को बहुत चाहता हूँ और लगता है वो भी मुझे बहुत चाहती है। आपकी इजाजत हो तो आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों छोड़कर गई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे आखिरी सांस तक मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। क्या हुआ बेटा एंजल? फादर, तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? पापा, क्या कहा? सपने, हाँ बोलती हूँ पापा। फादर, हाँ। पापा तो मान गए हैं पर शादी जल्दी करने को कहा है। तुम भी ना। मेरे ख्यालों के पन्ने हैं सवर गए। अब ये क्या, अचानक से आप दोनों बेंगलोर जाना चाहते हैं? यहाँ कमाई ठीक से नहीं हो पाती है फादर, और इतना ही नहीं, पहले हम दो थे, अब एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आने वाली है। मेरी आधी जिंदगी तो मैंने अकेले ही बिता दी, अब मैं मेरी जिंदगी का हर पल एंजल के साथ ही जीना चाहता हूँ। बस मैंने वही आखिरी बार देखा था। फादर, एंजल को कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया था? जेसी हॉस्पिटल में। चलो चलते हैं। अमीर। सर, विक्की को गाड़ी में बैठो। ओके सर। ए चलो। अरे कहाँ ना, चुपचाप चलो। विक्की, मैं प्रे करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। कहा ना मैंने प्रे करना चाहता हूँ। आमिर, वो प्रे करने को ही तो कह रहा है, करने दो उसे। आमिर, जिन्होंने तुम्हें सूली पर चढ़ाया भले उन्हें तुम माफ कर दो। मैं तो जिंदगी की अहमियत भी नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे बड़े प्यार से उसका मायना समझाया, उन लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी है उन्हें जीने नहीं दूंगा। विक्की, अब तक जो मैंने किया है और जो कुछ भी करने वाला हूं, मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया है। क्या बताया? ए, चले जाओ यहां से। चलो उन्हें यहां से भगा। चलो खाली करो जल्दी। कहा ना, यहां से निकलो। सर जल्दी आइए सर।
निशाना लगा दिया है, अब सिर्फ वार करना बाकी है। तुम जहां कहीं भी हो, मैं भी वही आ रहा हूं, और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे। काइन अपने रास्ते पर, इसका मतलब क्या है सर? काइन अपने रास्ते पर, इसका मतलब इस दुनिया का सबसे पहला कातिल काइन, जायदाद के लालच में उसने सगे भाई को मार डाला, और उसके बाद दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे वो काइन के जरिए ही होंगे, ऐसा ईश्वर ने श्राप दिया था। ये कहानी मैंने बाइबल में पढ़ी थी, लेकिन उस कहानी का हमारे केस से क्या लेना देना है पता नहीं। सर, सर हो गया सर, मेडिकल चेकअप्स ऑल क्लियर्ड। इसे मेरे कैबिन में रख दो, चलो। बी केयरफुल, देखिए इस वक्त हमें परेशान मत कीजिए, इस वक्त हम कुछ भी नहीं बता सकते। माइकल विकी को संभाल कर लाओ, प्लीज हट जाइए। माइकल संभाल कर, प्लीज मेरी बात सुनिए, इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। हम अच्छे से जानते हैं कि वो तुम्हारे लोग नहीं थे, हमें कंफ्यूज करके यहां से भागने के बारे में मत सोचो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने बता दिया ना अगली बारी किसकी होगी। रोक सको तो रोक लो। क्या कह रहे हो माइकल? हाँ सच में मैम, एंजल के मरने से पहले 6 साल से डॉक्टर सलीम जेसी हॉस्पिटल में काम करते थे। इतना ही नहीं, एंजल की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी इसी में है मैम। इसमें क्या है बद्रा? देखो उसमें किसका साइन है। सलीम रहमान। सो माइकल, एंजल की मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट की वजह से। कॉज ऑफ डेथ? सर के पीछे मार लगने से। एक लड़की, वो भी जो प्रेग्नेंट हो, सर पे चोट लगी, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो उसे कौन ट्रीट करेगा? कोई सर्जन या कोई हार्ट सर्जन? इस एंजल डेथ केस में कुछ तो राज छुपा हुआ है, लेकिन यह ऑटोप्सी रिपोर्ट किसी काम की नहीं है।
भद्रा, क्या फिर से एक बार रीपोस्टमार्टम करवाने के कोई चांसेस है क्या? यस, चांस है ना। सॉरी मैम, मेरा मतलब है इतने दिनों बाद अगर वहां जाकर खो देंगे तो हमें क्या मिलेगा? चार पांच हड्डियां, उन्हें ले जाकर किसी तांत्रिक को देना पड़ेगा जादू टोना करने के लिए। माइकल, सॉरी सर। हो सकता है माइकल। हाँ? कितनी बार हमने सिर्फ हड्डियां लेकर ही केस सॉल्व किए हैं। क्या वो कैसे मैम? सन 1920 का एक केस है। सिडनी स्मिथ नामक पैथोलॉजिस्ट थे। जमीन से बरामद हुई 3 हड्डियों के आधार पर, वो भी एक लड़की की। वो लड़की हैंडीकैप्ड थी। उन्होंने गनशॉट डेथ रीजन कहकर पुलिस को रिपोर्ट दी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये काम उस लड़की के पिता ने किया है ऐसा पता चला। हमें मिलने वाला हर एक छोटे से छोटा एविडेंस भी काम में आ सकता है माइकल। सॉरी मैम। एंजल की सिर्फ 4 हड्डियां ही काफी हैं। उससे मैं उसकी पूरी कुंडली निकाल सकती हूँ। अगर विक्की और एंजल के किसी रिश्तेदार को तुरंत एंजल की बॉडी को एग्जामिनेशन करने के लिए केस फाइल करने को कहा तो हमें रीपोस्टमार्टम का चांस मिल जाएगा। लेकिन उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 127 के तहत एंजल जीसस के शरीर को दोबारा एग्जामिनेशन करने के लिए कोर्ट ने अनुमति दी है। ए, घूर क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? ये लोग बीच रास्ते में नाच क्यों रहे हैं? फादर रुकिए, मैं आता हूं। इन्हें लगता है कि इनका बाप का रास्ता है। ए, 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 पीछे देखो, ट्रैफिक जाम हो गया है, कहीं और जाकर नाचो। ए, सुनाई नहीं देता क्या? ए, अरे सर, वो देखिए। तो क्या हुआ? निकलो यहां से, चलो निकलो। ए, चल निकल, चल, अरे बहुत चल निकल, ए चल निकलना। ए हाँ, फादर, फादर, माइकल। मैम, फादर की कंडीशन कैसी है? काफी सीरियस है मैम। पता चला कौन था वो? सीसीटीवी फुटेज से उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। सॉरी सर। फादर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल लग रही है। मुझे लगता नहीं कि हम रीपोस्टमार्टम करवा पाएंगे। शायद ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं भद्रा। ये सब मेरी वजह से हुआ। वेरी सॉरी मैम। हो सकता है विशाल, सुबह 6 बजे सूर्योदय होने के बाद सूर्य की पहली किरण निकलते ही एज अ फॉरेंसिक सर्जन मैं ऑटोप्सी कर सकती हूँ। मेरे पास इस प्रोसीजर के राइट्स हैं। That's really good. कल सुबह सुबह जज कोर्ट जाए या ना जाए उसके उठकर ये डिसाइड करने से पहले हम रीपोस्टमार्टम खत्म कर देंगे। पर फादर के मामले में हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते माइकल, जो मैंने कहा। विशाल, पर उससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना है। Oh,
विशाल, मैंने कहा था ना ये लोग जरूर आएंगे। एंजल की बॉडी को बचा लो। हेलो मैम। देर तो नहीं? नहीं मैम, कोई बात नहीं, आपके साइन के लिए वेट कर रहे थे। दफनाई हुई एंजल की बॉडी अभी तक वैसी की वैसी ही है, ये बड़ी अजीब बात है। इतने साल के बाद भी बॉडी सड़ा नहीं मैम, बड़ा अजीब है ना। बाहर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इसमें अजीब कुछ नहीं है। कुछ लोगों की बॉडी को क्रीमेशन बॉक्स में रखने से जब उन्हें सनलाइट हवा नहीं मिलती तो उनकी स्किन कुछ कुछ वैक्स की तरह हो जाती है, साबुन की जैसे। वो उनकी बॉडी को सड़ने से बचाती है। इट्स कॉल्ड एडिपोसिया, इट्स वेरी कॉमन।
विशाल, मैं जो कहने जा रही हूँ उस बात को किसी को मत बताना, कीप इट कॉन्फिडेंशियल। पर बात क्या है? आज मैंने जो ऑटोप्सी की, एंजल की ये पहली ऑटोप्सी थी। What? उससे भी हैरानी की बात ये है कि एंजल की बॉडी से उसका हार्ट गायब है। ओह गॉड। हमें जो ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली थी उसमें कुछ भी मेंशन नहीं था। जेसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट में हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। विशाल, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, समथिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल। मैडम, इस बॉडी को दोबारा दफना दे। नहीं आमिर, ऑटोप्सी अभी खत्म नहीं हुई है, एग्जामिनेशन बाकी है। इस बॉडी को जीएच में ले जाने के लिए रेडी करो। हाँ, जाओ। ठीक है मैडम, ओके। ए, चलो क्लियर करो यहाँ से, चलो निकलो, चलो 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 चलो, रास्ता क्लियर करो। ए, पीछे सर, पीछे जाओ, निकलो यहाँ से। ए, ए, इस तरफ, इस तरफ, समझ गए साइड से। कैसे की नोट्स है ये? रिपोर्ट में किसी भी चीज की डिटेल कंप्लीट नहीं है। मैम, मैं आज से ही ड्यूटी पे ज्वाइन हुआ हूँ, ये पुराने फाइल है। आपके डीन से बात करनी है, वो कहाँ है? आपको एड्रेस दे दूंगा, आप खुद जाकर मिल लीजिएगा सर। तुम जहां कहीं भी हो, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं भी वही आ रहा हूं। अगली बार किसकी होगी और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी, अब तक जो मैंने किया है और जो कुछ भी करने वाला हूं, मैंने सब कुछ निशाना लगा दिया है, उन्हें बता दिया है। अब सिर्फ वार करना बाकी है। वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे, रोक सको तो रोक लो, वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ। विशाल। हाँ। क्या हुआ भद्रा? क्या तुम्हें पता है कि विकी अब किसे मारेगा? किसे? उसने हमें एक रास्ता दिखाया था ना, काइन का रास्ता। काइन ने किसका खून किया? वो उसका भाई था, उसका नाम एबल। हाँ। आइए विशाल। लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं सर? आजकल आप ही तो हो सेंसेशनल न्यूज, डॉक्टर भद्रा, महाराष्ट्र पुलिस में काम करने वाली द मोस्ट ब्रिलियंट पैथोलॉजिस्ट। थैंक यू सर। क्या हम बैठ सकते हैं? हाँ, यस यस, प्लीज प्लीज सिट डाउन प्लीज। सर, लगता है आपको किताबें पढ़ने का शौक है। यस, आई लव रीडिंग। थिक एज थीव्स, ऐसी किताबें पढ़ते पढ़ते तो हमारे अंदर भी एक चोर पैदा होने लगता है ना सर? सही कहा ना? जाकर मेरे लिए एक सिगरेट लेकर आओ। जी ठीक है सर। Oh, I'm sorry. You want some poison? No, sir. Thank you. Coffee, tea, anything? No, sir. Sir, आप यहाँ अकेले रहते हैं? In fact, family सब ऑस्ट्रेलिया में है। जब इंडिया आता हूँ यहीं रहता हूँ। मेरा पूरा बिजनेस यही है। That's the reason. Yeah. Excuse me. सर, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। 4 साल पहले आपके हॉस्पिटल में मौत हुई एक लड़की के बॉडी को
दोबारा एग्जामिनेशन के लिए निकालने पर हमें पता चला आपके हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ था सर। उससे रिलेटेड ही हम कुछ जानकारी लेने आए हैं सर। बस मुझे पता है आप घूम फिर के यही आएंगे। डॉक्टर सलीम रहमान के बारे में आप क्या जानते हो? ही इज वन ऑफ द फेमस हार्ट सर्जन। ऑर्गन ट्रेडिंग करके जिंदगी गुजारने की जरूरत हमें नहीं है। हमने कब कहा कि आप ऑर्गन ट्रेडिंग करते हैं सर? पर ये आपको कैसे पता? वो आप लोग हॉस्पिटल में इंक्वायरी के लिए गए थे ना? पर विशाल, हॉस्पिटल में हमने उस बारे में कुछ नहीं पूछा। कल सुबह 10 बजे आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। आपकी सेफ्टी के लिए अब से बाहर सिक्योरिटी रहेगी। माइकल। हाँ सर। कंट्रोल रूम में कॉल करके यहाँ प्रोटेक्शन के लिए 4 कांस्टेबल भेजने को कहो, पर यह खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या सर, ये हाउस अरेस्ट है? याद रखना ये बात हमारे बीच ही रहे। कंट्रोल रूम, स्टेशन से 4 कांस्टेबल को तुरंत भेजो। ओवर। सर सॉरी, वो मैं अपना फोन भूल गई थी। आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स। या नहीं सर, ये बात किसी को नहीं पता चली। ओके सर, कल सुबह देख लेंगे। विशाल, उन्होंने कहा था ना कि वो घर पर अकेले हैं। हाँ क्यों? नहीं, आई फील समवन एल्स इज। माइकल, माइकल कोई अंदर कैसे आया? सर वो मैं माइकल जल्दी करो। ए कुमार, वो देखो वहां भाग रहा है, पकड़ो उसे। ए कुमार, ए कुमार, आमिर, be careful with these people. दो सवालों के जवाब हमें आप दे दीजिए। मैम, ऑटोप्सी खत्म करने के बाद ही मैं बता पाऊंगी। तो बताइए, आप हमें एक माइकल प्रेस को संभाल। हाँ सर। अरे रुकिए ना। माइकल, इस बात का ध्यान रखना कि प्रेस तक कोई बात नहीं जाए। अरे अरे मेरी बात सुनिए। बहुत प्रेशर है बद्रा, ऑटोप्सी जल्दी खत्म कर दो। नहीं विशाल, ये ऑटोप्सी मैं नहीं कर सकती। स्पॉट पर मैं भी थी तो कल को मेरे ऊपर भी ब्लेम आ सकता है, इसलिए मेरे असिस्टेंट्स करेंगे। नहीं बद्रा, अगर आप डोंट वरी, मैं सुपरवाइज करूंगी। जैसे विकी ने कहा था वैसे ही मर्डर हुआ है। इससे ये कंफर्म होता है कि यहाँ अंदर से ही कोई उसकी मदद कर रहा है। नहीं बद्रा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। I'll see you later. Okay, fine. सर, एडीजीपी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रहे हो, कब आए वो? अभी आए सर। उसे डरा कर मुंह खुलवा लेना चाहिए था। डरा धमका कर पूछने के लिए वो आम आदमी थोड़ी ना है, उसे जरा अलग ढंग से पूछना पड़ेगा। अगर आपने परमिशन दे दी तो मैं उसकी एक एक हड्डी तोड़ूंगा ना, तब वो सब कुछ उगल देगा सर। ठीक है, जो करना है वो करो, मैं सर से मिलकर आता हूँ। सर, क्या चल रहा है विशाल?
There is no progress. Home Minister को जवाब देने के लिए हमें नया बहाना करना पड़ता है. यह आपसे नहीं होगा. मैं ये केस किसी और को सौंप दूंगा. सर, नो सर. We are very close. सलीम रहमान, एबल, इन दोनों का जहां खून हुआ था, वहां हमें एक जैसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं सर. हमने सोचा था जेल में विक्की को हेल्प करने वाले चर्च के फादर थे, बट उन्हें भी कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है सर. और उस आदमी को ढूंढने की भी तलाश जारी है सर. आपने किसी को अरेस्ट किया था ना? हाँ सर. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्या? सर, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है. आज शाम तक उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सर, विक्की को दोबारा कस्टडी में लेना ही पड़ेगा. विद योर परमिशन. समझ नहीं आता, ये आदमी है कि जानवर है सर. क्या हुआ माइकल? मार मार कर हाथ अकड़ गया है सर. कितना भी मारो तो राम गली की मणि की तरफ इशारा कर रहा है सर. कौन है वो मणि? उसे जल्दी अरेस्ट करो. अरे बाप रे बाप, वो बहुत ही डेंजरस एरिया है सर. वहां हम पुलिस वाले यूनिफॉर्म पहनकर जा नहीं सकते. अगर गए तो नंगा करके भेज देंगे. ओके, हम तैयार हैं. अरे अभी तेरे को किधर जाने का है? कैसा है रे? अपना बैठने का प्लान हुआ था ना रे? ये देख, ये शाना निकल गया. आप तो ना बोलते हो. अरे भाई, अपने एरिया में ना शाना प्लानिंग करवा रहा है. सच्ची बोल रहा है ना? शाम को मिलते हैं ना. अरे अपने वो होलिका क्या हुआ? वो लड़का अलग नहीं चल रहा है. बिजनेस कर रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा. उसको लेते हैं खोपचे में, देते खर्चा पानी. ठीक है भाई. सर, वी आर रेडी. रेडी. गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल. ऑलरेडी विक्की को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर चुके हो, फिर क्यों कोर्ट से 5 दिन मांग रहे हो? सलीम रहमान, एबल, इन दोनों का जहां खून हुआ था वहां मिले फिंगरप्रिंट्स एक ही इंसान के हैं. ये है दोनों ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स. विक्की की वाइफ एंजल की बॉडी का रीपोस्टमार्टम करने से पता चला कि जेसी हॉस्पिटल एक बड़े क्राइम में इन्वॉल्व है और उसके करेक्ट एविडेंस इस फाइल में है. तुम ये क्या कह रही हो भद्रा? ये मेडिकल क्राइम है? यस मैम. आरोपी विक्की को 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में पूछताछ करने के लिए कोर्ट इजाजत देती है. थैंक यू मैम. माय लॉर्ड, विद योर परमिशन, क्या मैं विक्की से एक सवाल पूछ सकती हूँ? यस, प्रोसीड. तुम्हारा सफर खत्म हुआ या अभी बाकी है? जिस रहस्य को लोग और मीडिया नहीं जानते थे, उसे जज के सामने खोल दिया ना. एंजल, मेरे एंजल का दिल जिसमें धड़क रहा है ना, वो जिस रास्ते पर चलेगा वही मेरी अगली मंजिल होगी. बात समझ लो मणि, जितनी जल्दी मुंह खोलोगे उतना बेहतर. यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला. ये ऑफ द रिकॉर्ड है मणि. बता सर, मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ सर.
बाप रे, कितना टेस्ट करवाते हैं, मुझसे नहीं होगा। एक बच्चे के लिए इतना खर्चा उठाना पड़ेगा क्या? किसी छोटे हॉस्पिटल में जा सकते थे ना। ए, तुम एंजल हो, हमें होने वाला बच्चा छोटा एंजल। हम दोनों लावारिस होकर कहीं तो कहीं पैदा हो चुके हैं, लेकिन हमारी छोटी एंजल को एक अमीर घर में जन्म लेना चाहिए। उसके जन्म के बाद उसके चेहरे पर, उसके आंखों में जो खुशी दिखेगी ना, उसे देखने के लिए दो आंखें कम होगी। क्या हुआ? देखो ना, लात मारी इसने। पापा से खर्चा नहीं करवाना इसे। वो लात नहीं मार रही है, घबरा मत, ये कह रही है बस। दिल में है तेरे लिए गुदगुदी सी, कहीं मन में है तेरे लिए गुनगुनाती एक नदी में, सागर है तू पायल, मैं तू कोई झांझर, प्यासी मैं हूँ जमी तू आवारा बादल, कश्ती मैं तू कोई लहर। एंजल के हार्ट को निकाला गया था, हमें आज ही पता चला। जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में नहीं है वो बात तुम कैसे जानते हो विकी? कहीं फादर ने मुझे से अनाथ को अब कौन प्यार करेगा फादर? जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वो भगवान तुम्हें यहां ढूंढ कर आया है। तुमने जो सोचा वो हो जाएगा, तुम्हें ये करना है
जैसे मैं बोलूं वैसे जेल में रहना होगा। सर जेल जाकर वो मुजरिम से मिला था। अब तक वह कहता था कि वह किसी को मारना चाहता था। ए, गौर से देख, ये डॉक्टर सलीम रहमान है ना, उनकी तस्वीर क्यों बनाई है तुमने? लेकिन आज वो कोई गलती करने जा रहा है ऐसी उसकी आंखें कह रही थी। वो तुम्हारा काम है, जाओ पता करो। मैं जानता हूँ ये तूने नहीं किया है, पता कौन तेरी मदद कर रहा है। इसे मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। ईश्वर, मर्डर कहीं और किया गया और यहाँ लाकर बॉडी को जलाया है। निशाना लगा दिया है, बोल दिया ना। थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था सर। अगली बारी किसकी होगी? आगे सब अपने आप चलता रहेगा। अब बस शिकार करना बाकी है। एंजल की बॉडी का रीपोस्टमार्टम करने से पहले फादर भी आईसीयू में थे। मतलब के फादर नहीं, किलर कोई और ही है और वही असली किलर है। जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं, जो हमारे बीच रहकर विक्की के लिए काम कर रहा है। बाबा, मैंने खाना बना दिया है, खाना खाओ और जाओ अपने काम पर। क्या बेटा, थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकती हो ना। बाबा, माँ के जाने के बाद तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर खाना नहीं खाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? मैंने काम करना शुरू कर दिया है ना, तो अब आप घर पर आराम कीजिए ना। वो पूछ रही है तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ। मैं अच्छे से समझती हूँ ये क्या कह रही है। सुनो, बाबा का ध्यान रखना। हाँ, मैं जल्दी वापस आती हूँ, चलो बाय। अरे सॉरी 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 सॉरी, अपना ख्याल रखना बाबा। ए प्रिया, तुम्हें कितनी बार कॉल किया, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओफो, लगता है फोन साइलेंट पर है, मैंने चेक ही नहीं किया। बच्चे के स्कूल से लगातार कॉल आ रहा है, टीचर ने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। अरे बाप रे, मुझे एक हेल्प कर दोगी प्लीज? हाँ कहिए। आज ना मेरी ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में है, तो शिफ्ट बदल कर तुम संभालोगी क्या? अच्छा ठीक है, आज कौन से डॉक्टर ड्यूटी पर है? प्रिया, प्रिया क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो तो, तुम क्यों रो रही हो? अरे बताओ ना बेटा। बाबा, इन अमीरों की दुनिया में गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? शिफ्ट चेंज होने के बाद मैं खुद सर्जरी रूम में गई थी। डॉक्टर सलीम सर्जरी करने वाले थे और पेशेंट की डिटेल्स मुझे मालूम नहीं थे, लेकिन अंदर जाने के बाद मैं एक बात जरूर समझ गई कि वहां कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही थी, कि एंजल को बचाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर ने ट्राई किए बिना ही उस पर सर्जरी शुरू कर दी और तब वो प्रेग्नेंट थी। बाबा, जब उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला तो उसमें बिल्कुल जान नहीं थी। इसे मेडिकल वेस्ट में डाल दो। अगर इस तरह सर्जरी के वक्त कोई बच्चा मर जाता है तो हम खुद उस बच्चे को मेडिकल वेस्ट में ले जाते हैं। Oh!
ये तुम क्या कह रही हो बेटा? बताइए बाबा, अब हम क्या करेंगे? मैं एंजल के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक लड़की के जीवन में इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो किसी तरह हमें उसे न्याय दिलाना ही होगा। अगर इस अली से हम सच उगलवा ले तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा, पर ये हो नहीं सकता। सिर्फ अली ही नहीं, ये बात तीन और लोग जानते हैं। पहला विक्की, दूसरा मारने वाला और तीसरा मरने वाला। जुलाई 26, 2017, उसी दिन एंजल का एक्सीडेंट हुआ था एंड डेथ ऑन द सेम डे। हमारी बॉडी में हार्ट की एक स्पेशलिटी है, जब तक बॉडी में जान है हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 4 घंटे के अंदर उसे दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना होता है, मतलब कि रिसीवर की सर्जरी भी ठीक उसी दिन हुई थी, जुलाई 26। अगर ऐसा है तो जेसी हॉस्पिटल या आसपास के किसी हॉस्पिटल में यह सर्जरी किया गया होगा। yes. पर इसके कोई रिकॉर्ड हमारे हाथ नहीं लगे, इसलिए हमें पब्लिक को अलर्ट करना होगा के 26 जुलाई के दिन जिन जिन का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, अगली मौत उसी की होने वाली है। एक ही दिन में इतने सारे ट्रांसप्लांटेशंस होने के चांसेस ही नहीं है। यस। तो आगे क्या करें? एंजल का मौत में एक नया मोड़। 26 जुलाई 2017 को जिन जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट करा है वो खुद ही आकर पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस अनुरोध किया है। अभी हमारे पास एंजल का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने की कोई सबूत भी नहीं मिला। सर, पर मेरा ट्रांसफर क्यों हो रहा है? तुमने कमाल का काम किया है ना, इसीलिए। ये केस हमने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है, तुम निकलो। जाओ बेटा जाओ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। उस लड़की का नाम क्या था? हाँ, एंजल। उसका हार्ट 2 करोड़ रुपया में बिका था। अगर आज बिकता तो ज्यादा पैसे मिलते। जिसने मेरे बेटे को मारा उसको मैं कब का मार चुका होता। तो ये आपका किया धरा था। तुम्हारे पास तो वो सिर्फ एक ही एविडेंस है ना मणि। मैं ये भी जानता हूं कि वो कोर्ट में क्या बोलने वाला है। इन सभी मौतों का कारण वो रिसीवर ही है, उसके सहारे इसे पकड़ सकते हो। मैं तुम्हें बता सकता हूं वो रिसीवर कौन है। सही कहा सर, अगर पैसा है तो कुछ भी मुमकिन है। तो आपको लगता है विक्की का अगला टारगेट वो होगा जिसके बॉडी में वो हार्ट है? मुझे लगता है कि उसका अगला टारगेट शायद आप ही होंगे सर। फॉर्मेलिटीज खत्म करने के बाद एंजल की बॉडी को रिलीज कर दो। ओके मैम। मैंने कहा था ना विशाल, ये लोग हमें चैन से काम नहीं करने देंगे। हमारा कानून ही कुछ ऐसा है। समझ नहीं आ रहा कि ये आधे में कैसे छोड़े। एक और खून जरूर होने वाला है। नहीं बद्रा, जिसके पास भी एंजल का हार्ट है विक्की उसे नहीं मारेगा। यू नो विक्की का मोटिव
सारी सच्चाई को बाहर लाना है, जिसकी वजह से विक्की या वो किलर हमें मैनिपुलेट कर रहा है। इन सारे मर्डर्स के पीछे जरूर कोई जस्टिफाइड रीजन है। सिर्फ वही मरे जिनको मरना था। तो तुम्हें क्या लगता है अगली बारी किसकी है? तुमने ही मेरे बेटे को मारा था ना? ए सुनना, मुझे छोड़ देना, तुझे जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। ए सुनना, विक्की मुझे छोड़ देना। हर गलती की एक सजा होती है, उसे तय करना और देना मेरे नहीं भगवान के हाथ में है। हमारे पास जो डेड बॉडीज आती हैं, अननेचुरल डेथ और एमएलसी मेडिकल लीगो केसेस, समझ गए ना? वो काफी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉडी 3-4 दिन पानी में रहने के बाद हमारे हाथ लगी है, इस तरह की डेड बॉडीज में से खाल इस तरह से निकल जाती है। सपोज ये किसी क्रिमिनल के हाथ लग जाए तो इसे फिंगरप्रिंट्स की तरह यूज करके इसे मिसयूज किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर इसे फॉर्मलिन सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो बहुत दिनों तक ये ऐसी ही रहेगी। तो अगर आपको इस तरह के केसेस हैंडल करने हैं तो आप संभल कर हैंडल करना, ओके? मैं कुछ पुरानी ऑटोप्सी फाइल्स दे रही हूँ, उसे पढ़ना और कुछ भी डाउट हो तो पूछना। काली भैया, कुछ पुरानी ऑटोप्सी फाइल्स ला कर इन्हें दे दो। HY Burns BD वापस करना। ये लड़की, क्या ये केस आपने अटेंड किया था? आप लोग अभी जा सकते हैं, इन्हें फाइल दे दीजिए। ओके मैम, थैंक यू।
साली भैया, इस लड़की को मैं जानती हूँ। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ विक्की, बस चलने ही वाली हूँ। अच्छा सुनो, चलो अब मैं फोन रखती हूँ। आ जाऊंगी। ए, सॉरी मैडम, दिखाई नहीं देता क्या? ये क्या कर रही थी तुम? साइड में खड़ी रहकर बात नहीं कर सकती? सॉरी दीदी। क्या सॉरी? ठीक है ठीक है, जाओ अब, संभल कर जाना। एक्सक्यूज मी दीदी, आप भी इसी बस से जा रही हैं? दीदी चॉकलेट खाएंगी? कोई बात नहीं, लीजिए ना। मैं चॉकलेट्स नहीं खाती। सीता। दीदी आपका गांव कौन सा है? मुंबई। ओ, मैं आपसे पहले उतर जाऊंगी पनवेल में। ओ, दीदी मेरा नाम एंजल है। पर मैंने तो पूछा नहीं। मैंने तो बता दिया, आपका नाम? भद्रा। भद्रा, ठीक है, तुम बोलो मैं सुनती हूँ। मेरा नाम एंजल है और मैं चिपलून से हूँ। बड़ी जल्दी उतर गई, बहुत जोरों की भूख लगी है। भैया एक कॉफी दीजिए। हाँ देता मैडम। दीदी आप लेंगी? काफी है। क्या तुम पहले से ही ऐसी हो? कितनी बातें करती हो। ऐसी बात नहीं है दीदी, क्या आप जानती हैं? मेरी जिंदगी मेरे साथ एक अजीब सा खेल खेल रही थी। मेरी सारी खुशियां मुझसे नाराज थी। 22 साल तक मैं अकेली थी, अकेले ही हंसती थी, अकेले ही जी रही थी। इसके बाद विक्की मेरी जिंदगी में आया और अब एक नया मेहमान शामिल होने वाला है। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। बचपन से जो खुशियाँ मम्मी पापा से मुझे नहीं मिली, वो सारी खुशियाँ विक्की ने मेरी झोली में डाल दी। क्या तुम्हें अपने बच्चे की आवाज सुननी है? वो कैसे दीदी? सुननी है तो बोलो। हाँ हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। सुनाई दे रही है? हाँ। सुनाई दे रहा है दीदी। क्या कह रहा है तुम्हारा बच्चा? अच्छा तो आप डॉक्टर हैं? हाँ, डॉक्टर लगती नहीं ना? सच में नहीं लगती दीदी। ठीक है ठीक है। दीदी कल विक्की का बर्थडे है, समझ नहीं आ रहा क्या लूं। तुम्हारे बर्थडे पर उसने क्या दिया था? नाइस। ये वाला खाली क्यों है? उसके पीछे एक वजह है। और वो क्या? यहाँ पर मैं अपने बच्चे की तस्वीर लगाऊंगी। विक्की कहाँ है? विक्की आ जाएगा दीदी, आप बैग दीजिए, आप परेशान मत होइए। ठीक है, संभल कर जाना। यहाँ आना।
बाय। कॉल करना डी। ओहो। आपको मुझसे कुछ कहना है क्या भैया? जब मैंने इस बच्ची को जिंदा देखा तो समझ नहीं आया कि क्या करूं। अगर इसे वापस अस्पताल ले जाती तो वो लोग इसे मार देते। मैंने जो कुछ भी सीखा था उसकी मदद से इस बच्ची की जान बचाई। इस बच्ची का यहां रहना ही सेफ है फादर। मैं एंजल के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक लड़की के जीवन में इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो किसी तरह हमें उसे न्याय दिलाना ही होगा। जितना लगता है उतना आसान नहीं है फादर। एविडेंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चाहो तो हमें एविडेंस मिल सकता है प्रिया। मैडम मैं कैसे? जेसी हॉस्पिटल के सर्वर में एंजल के ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स होंगे। तुम बस एक बार वो मुझ तक पहुंचा दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। पर ये बहुत बड़ा रिस्क है। वो सब इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सलीम रहमान के पर्सनल कंप्यूटर में है। रिस्क तो लेना ही होगा प्रिया। तुम्हारी उम्र की एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है, उस बच्चे की क्या गलती है? उन क्रिमिनल्स को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा करना ही होगा। वो तुम्हारे हाथ में है। मैडम अगर इसकी वजह से मेरी बेटी की जान को कोई। मैडम मैं वो एविडेंस लाऊंगी। Huh.
लैब में काम करते वक्त इनके ऊपर एसिड गिर गया था मैडम। 80% इनकी बॉडी डैमेज हो चुकी है मैडम। इनके बचने का चांस बहुत कम है। इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसीलिए हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म। आप जरा बाहर जाएंगे? ठीक है मैडम, चलिए। क्या हुआ प्रिया? कहो ना, क्या कहना है? एक्सीडेंट नहीं है। रिलैक्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी प्रिया। हाय मैडम। हाय प्रिया, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या सारी बुक्स तुम पढ़ती हो? बचपन से ही मुझे बुक्स का बहुत क्रेज है। वेरी गुड। क्या तुमने ये बुक पढ़ी है? इसे हाल ही में पढ़ना शुरू किया है। इस बुक के ऑथर के बारे में जानती हो? नहीं। जीन डोमिनिक, उन्होंने ये किताब लिखी है और वो फुल पैरालाइज्ड पेशेंट है। ये आप क्या कह रही हैं मैडम, तो उन्होंने ये बुक कैसे लिखी? स्ट्रोक के बाद उनकी फुल बॉडी पैरालाइज हो गई थी। उनकी राइट या लेफ्ट किसी एक आंख में मूवमेंट थी। दरअसल जो इन्हें स्पीच थेरेपी देने आते थे उनकी मदद से उन्होंने ये किताब लिखी। वो कैसे? अल्फाबेट लेटर्स को बोर्ड पर लिखते थे और एक एक करके वो अल्फाबेट दिखाते थे। उन्हें जो लेटर चाहिए होता था उस पर ब्लिंक करते। वेट, प्रिया, बाबा मैंने खाना बना दिया है, खाना खाओ और जाओ अपने काम पर।
तुमने बताया था ना, तुम्हारी वजह से उस बेचारी लड़की को मैंने मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। जिन्होंने मुझे मारा वो कहाँ है, जेल में है या आजाद है? मेरी मौत पेट दर्द की वजह से नहीं हुई। 8 लोगों ने मेरा रेप किया था और आप ही ने तो पता लगाया था। क्या उन्हें उनकी किए की सजा मिली? सब कह रहे थे कि मेरी मौत की वजह एक्सीडेंट है, लेकिन मेरी मौत पिटाई की वजह से हुई थी और ये आप ही ने पता लगाया था। कानून ने उसे कोई सजा दी क्या, या भगवान ने उसे कोई सजा दी क्या? बोलिए, बताइए, बोलिए, बताइए, बोलिए मैडम, बताइए, 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 बताइए मैडम, मैम, मैडम, मैम, मैम, अपराधियों को सजा देने का हक हमें नहीं है बेटा, वो काम सिर्फ ईश्वर का है। उन पापियों को मारने का काम भले ही ईश्वर का है, अगर इंसान वो काम करे तो उसमें कोई गलती नहीं है फादर, लेकिन वो काम कौन करेगा ये फैसला ईश्वर का है, और एंजल के मामले में उसने हमें चुना है। मुझे आपसे एक मदद चाहिए, मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगी वो बात आपको विकी को बतानी होगी। मुझे से अनाथ को अब कौन प्यार करेगा फादर? इस सब के पीछे मैं हूँ ये बात विकी को पता ना चले। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वो भगवान तुम्हें यहाँ ढूंढ कर आया है। फादर, ये चर्च में अगर हम दिल से कुछ मांगे तो वो पूरा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तुमने जो सोचा वो हो जाएगा, तुम्हें ये करना है। जैसे मैं बोलूँ वैसे जेल में रहना होगा। मैं जानता हूँ ये तूने नहीं किया है, पता कौन तेरी मदद कर रहा है? ईश्वर। तुमने जो सोचा वो हो जाएगा। इसे मारने से पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अब तू इनके सवालों का जवाब देगा। मेरे कंप्यूटर से जो डिटेल्स मिले हैं उसके सहारे तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ये सोशल सर्विस क्यों करना चाहती हो? उसका दिल 2 करोड़ रुपए में बिका था और उसका ब्लड भी रेयर था, AB नेगेटिव। लेकिन इसे रख के क्या फायदा, छोड़ दो, जाने दो इसे, जाओ बेटा।
35 सालों से ऑटोप्सी कर रहे हैं और पत्थर दिल हो गए हैं। मैंने ना जाने कितने सारे बॉडीज का पोस्टमार्टम किया है, लेकिन आज मुझे अपने बेटे का पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है। इन 4 सालों में जब भी किसी लड़की की बॉडी आती है, इन्हें उनकी बेटी की बॉडी नजर आती है, तब से इन्हें इंसाफ का इंतजार है। He deserves a judgment. बॉडी की 8 जगहों की हड्डी टूटी है। आज पहली बार मैं एक जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम कर रही हूँ, वो भी तुम्हारा। मर्डर कहीं और हुआ है, इसे किसी जंगल में कार के अंदर पेट्रोल डालकर जला दो, फिर यहाँ लाकर जलाया है। सॉरी, वो मैं अपना फोन भूल गई थी। विशाल, उन्होंने कहा था ना कि वो घर पर अकेले हैं। आई फील समवन एल्स इज। इस तरह की डेड बॉडीज में से खाल इस तरह से निकल जाती है। ये किसी क्रिमिनल के हाथ लग जाए तो इसे फिंगरप्रिंट्स की तरह यूज करके इसे मिसयूज किया जा सकता है। पेट्रोल कैन आप वहीं छोड़ देना विद फिंगरप्रिंट्स। जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किए, मैम सिर्फ फिंगरप्रिंट्स हैं। हमारी पुलिस सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के पीछे भागती है। सलीम रहमान, एबल, इन दोनों का जहां खून हुआ था वहां मिले फिंगरप्रिंट्स, वहां हमें एक जैसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं सर। वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। मैं एंजल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक लड़की के जीवन में इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो किसी तरह हमें उसे न्याय दिलाना ही होगा। विक्की का मोटिव सारी सच्चाई को बाहर लाना है, जिसकी वजह से विक्की या वो किलर हमें मैनिपुलेट कर रहा है। मेरी जिंदगी मेरे साथ एक अजीब सा खेल खेल रही थी। मेरी सारी खुशियां मुझसे नाराज थी। 22 साल तक मैं अकेली थी, अकेले ही हंसती थी, अकेले ही जी रही थी। इसके बाद विक्की मेरी जिंदगी में आया। मेरी आधी जिंदगी तो मैंने अकेले ही बिता दी। अब मैं मेरे जिंदगी का हर पल एंजल के साथ ही जीना चाहता हूँ। मैडम, मैं विक्की से कुछ पर्सनल बात करना चाहती हूँ। उसे यहाँ लेकर आओ। विक्की, तुम जिन लोगों को सजा देना चाहते थे, ईश्वर ने किसी और के जरिए उन्हें सजा दे दी है। अब सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। ये बदले की भावना भूलकर तुम बाहर आने के बारे में सोचो। लेकिन ईश्वर ने मेरा सब कुछ छीन लिया मैडम। (laughs)
ये लीजिए मंच चॉकलेट खाइए। तुम खाओ। थैंक्स। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई है। ये वाला खाली क्यों है? उसके पीछे एक वजह है। और वो क्या? यहाँ पर मैं अपने बच्चे की तस्वीर लगाऊंगी। क्या हुआ? अब तक स्टार्ट क्यों नहीं किया? स्टार्ट कर दिया मैम। लाशों का जरा सम्मान करना सीखो। लाश? कौन सी मैम? रुको समझाती हूँ। इंसान के शरीर को बेहतर तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स को समझाने के लिए जिन बॉडीज का इस्तेमाल होता है उन्हें कभी कभी मोर्चुरी से भी लाया जाता है, या फिर वॉलंटरली किसी के द्वारा मेडिकल सर्विसेज के लिए डोनेट की हुई बॉडीज। उन्हीं लाशों की बात कर रही हूँ। कई बार लोग जिंदा रहने से भी ज्यादा मरने के बाद किसी के काम आते हैं, समझे? तो यही उन लाशों की कहानियां हैं। इसलिए इन बॉडीज को और ज्यादा इंतजार मत करवाइए। गो ऑन, प्रोसीड टू योर फर्स्ट एनाटॉमी क्लास। यस मैम। सलीम रहमान के मर्डर केस के बाद सूत्रों से ये पता चला है कि सलीम रहमान के पिता अली रहमान पिछले दो दिन से लापता है। सलीम रहमान की बॉडी से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उससे यह पता चलता है कि अपराधी बिहार से है, और इसी वजह से यह अनुमान लगाया जाता है कि अली रहमान भी बिहार में ही होंगे, और इसी बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस बिहार के लिए रवाना हो चुकी है।